आज के सफ़र के लिए मैं निकल पड़ी हूँ जैल के लिए, और बस में मैं आगे वाली सीट पे बैठी हूँ ताकि अच्छे से अच्छा नज़ारा कैप्चर कर पाऊँ। देखो कितना सुंदर रोड है, मोड़ बहुत आते हैं, मेरा सिर भी गोल गोल घूम जाता है, फिर भी मैं घूमती रहती हूँ क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है। ये पेड़ इतने सुंदर है ना, बहुत सुंदर, जैसे राज मूवी में है। फिर मैं मार्केट गई, वहाँ पर मैंने राखियाँ देखी, बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ आई हुई थी। आज राखी भी है इसलिए मैंने सोचा मार्केट जाती हूँ। फिर मैं निकल पड़ी अपने डेस्टिनेशन की तरफ, कालिका टिब्बा की तरफ। धूप बहुत थी फिर भी मैं पहुँच गई लिफ्ट लेकर, जैसे तैसे मैं आ गई हूँ कालिका टिब्बा। मंदिर बहुत ही सुंदर है। जब मैं 10th क्लास में थी तब आई थी यहाँ पे, तब ये बन रहा था, अभी तो ये बहुत अच्छा बन गया है। ये दीवार देखो, इसकी बाउंड्रीज कितनी सुंदर है। अरे वीडियो बनाने वाली भी तो कैमरे में आनी चाहिए ना। ओहो, देर ना करते हुए सबसे पहले हम करते हैं माता के दर्शन, और फिर बाद में लेंगे नज़ारे का मज़ा। यहाँ पे सच्चे दिल से जो भी कुछ मांगता है माता रानी सब कुछ पूरा करती है, और मुझे सच में आके यहाँ बहुत अच्छा पॉजिटिव फील होता है। और हम किसी भी मंदिर में जाए तो हमें सच में बहुत पॉजिटिव फील होता है, और इन फूलों की तो बात ही कुछ अलग है। ये तो बहुत सुंदर है, अपने में ही, अपने आप में ही इतने सुंदर हैं। फिर थोड़ा देर में इधर उधर घूमी, नज़ारा लिया, बहुत सुंदर नज़ारा था, आप भी देख सकते हो कितना सुंदर है। फिर मैंने देखी ढोलकी, मेरा मन किया इसको बजाने का, फिर मैंने सोचा अरे नहीं यार। फिर मैंने देखी मूंग की दाल, फिर मैंने सोचा अरे कहीं यहाँ भंडारा तो नहीं होता, भंडारे के लिए तो नहीं है। बस फिर मैं इधर उधर घूमा, शांति से बैठी रही एक जगह, और बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा था। फिर मैं इस दीवार पे चल के ऐसे घूम रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं बादलों पे चल रही हूँ। पूरी फीलिंग ली मैंने, भगवान का नाम लिया, प्रार्थना की। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मुझे दिखाई एक छोटा सा मिनी गार्डन। ये मिनी गार्डन बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया था, उसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं था, नहीं तो मैं अंदर जाके दिखाती। फिर मैं थोड़ी देर बैठते हुए मैंने अपनी पोटली को उठाया और निकल पड़ी मैं आगे वाले रास्ते के लिए, क्योंकि आगे का रास्ता मुझे अकेले ही तय करना था। आते हुए तो मुझे लिफ्ट मिल गई थी, लेकिन जाते हुए मुझे अकेले ही पैदल जाना था। जंगल का रास्ता था, डरे डरे फिर भी मजा लेते हुए मैं निकल पड़ी। शांति मुझे तब मिली तब मुझे ये रेड छत वाला घर दिखा। ओह, मुझे कोई घर तो दिखा नहीं, तो मैं चले जा रही थी। ज़्यादा देर ना करते हुए मैंने अपनी ऐनक को लगाया और मैं घर की तरफ दौड़ पड़ी। फिर मैंने अपने कैमरे को सेट किया एक जगह पर, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख, और मुझे अपने बैग में देखना था कि मेरे बैग में क्या है खाने का, क्योंकि मैं सुबह अपना टिफ़िन भी लाई थी पैक करके। और मैंने जल्दी से अपने लंच को निकाला, और घर का टेस्टी टेस्टी खाना मिल जाए इतना थकने के बाद तो उसकी बात कुछ और अलग ही होती है। मैं बाहर का खाना अवॉइड करती हूँ इसलिए मैं घर से लेकर आई, और इतनी अच्छी हवा और इतने अच्छे नज़ारे के बीच में घर का खाना मिल जाए तो बात ही कुछ अलग है। मैंने ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए अपने पेट के चूहों को शांत करने का सोचा, और जल्दी से खाने को फिनिश किया, क्योंकि मुझे सच में बहुत भूख लगी हुई थी और मैं बाहर का कुछ खाना नहीं चाहती थी। क्योंकि खाना फिनिश करके मुझे बहुत ही एक सुंदर जगह पे जाना, जिसके बारे में मुझे एक शॉप वाले अंकल ने बताया है। मैंने पानी पिया, फिर सोचती रही थोड़ी देर कि क्या करना है, मैं वापस जाऊं या अंकल की बताई हुई जगह पे जाऊं। फिर मैंने घर देखा, बहुत सुंदर था, मैंने लेने की सोची पर पैसे नहीं थे। फिर मैंने पंजाबी तड़का खा के टाइम पास किया, वेट करती रही बस का। फिर मैंने सोचा अरे यार पैदल चलती हूँ, चलो नेक्स्ट जर्नी मेरी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी, बाय।